हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा सिरसा के गांव रंगड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने जालपीर की दरगाह में आयोजित वार्षिक मेले में शिरकत की। गांव और इसके साथ ही गोपाल कांडा ने दरगाह में शीश नवाया और अरदास भी की। इस अवसर पर पीर दरगाह कमेटी की ओर से उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा पीर फकीरों और संत महात्माओं की पवित्र धरती है, उन्हीं के आशीर्वाद से गोविंद और गोपाल आपके लिए समाज सेवा कर रहे हैं। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने आगे कहा कि संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो सबका बेड़ा पार हो जाता है। इस दौरान गोपाल कांडा ने पीर की दरगाह में आयोजित भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और सभी को वार्षिक मेले की बधाई दी। बाबा का दरबार, दरबार बाबा साहब पीर अब्दुल रहीम जी की इस दरगाह पर आज मुख्य सेवक बाबा बिहारी जी का आशीर्वाद और बाबा का जो मुझे आशीर्वाद मिला, जालपीर बाबा का और बाबा बिहारी जी का जो यहाँ बहुत सेवा करते हैं, बहुत बड़े सेवादार हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आई हुई जितनी भी संगत है सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे, क्योंकि आज ऐसा वक्त चल रहा है हमारा इलेक्शन का, तो आज मुझे यहाँ से बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है और हमेशा मुझे यहाँ से आशीर्वाद दिया है और मैं हमेशा यहाँ जो भी मुझे सेवा मिलती है हमेशा मुझे सेवा मिलती रहे, बस मैं यही विनती करता हूँ और बाबा बिहारी जी से यही कहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे।